अगर किसी पक्षी की चोंच टूट जाए तो वो भूखा मर जाएगा, क्योंकि बिना चोंच के वो खा नहीं सकता और बिना खाए वो जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन ईगल एक ऐसा पक्षी है जो जानबूझकर खुद ही अपनी चोंच को तोड़ देता है। लेकिन ईगल ये जानते हुए भी कि वो बिना चोंच के भूखा मर सकता है तो फिर भी वो अपनी चोंच को क्यों तोड़ता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक ईगल 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और ये अपनी नुकीली चोंच से बड़े बड़े शिकार को आसानी से चीर फाड़ देता है। लेकिन जब एक ईगल की उम्र 30 से 40 के आसपास हो जाती है तो इसके पंख भारी हो चुके होते हैं और चोंच की शार्पनेस कम हो जाती है और तब ईगल ना तो ढंग से उड़ पाता है और ना ही शिकार कर पाता है और ईगल के मरने की नौबत आ जाती है। तब उसके बाद ये एक ऊंची चट्टान पर चला जाता है और पत्थर से मार मार कर अपनी चोंच को तोड़ देता है। 3 से 4 महीने तक भूखा रहने के बाद इसकी नई चोंच उगाती है और उस नई चोंच की मदद से ये अपने पुराने पंखों को उखाड़ कर फेंक देता है। फिर 2 से 3 महीने में इसके नए पंख आ जाते हैं और 6 से 7 महीने के इस दर्द भरे प्रोसेस से गुजरने के बाद ये शिकारी आसमान पर राज करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है।